हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा लावा फ़ोन है तो लावा फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में एक्सटेंड कंपैटिबिलिटी ऑप्शन है तो उसको आप कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने लावा फ़ोन की हॉटस्पॉट सेटिंग पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप कर लेना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स आ जाएंगे, फिर आपको इसमें से सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ़ोन सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि ओपन हो गई है। तो जो हमारे फ़ोन में एक्सटेंड कंपैटिबिलिटी ऑप्शन है इसको आप कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो सिंपल आपको यहाँ पर सर्च कर देना है एक्सटेंड कंपैटिबिलिटी। तो इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही हाईलाइट हो रही है, जिसको आप यहाँ से अपने फ़ोन में ऑन कर सकते हैं। तो इसके ज़रिए आप किसी भी अदर्स डिवाइस को ऑटोमेटिक कनेक्ट कर सकते हैं और इसकी इंटरनेट स्पीड को भी अपने फ़ोन में ट्रैक कर सकते हैं। तो इसको आप ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ भी कर सकते हैं, यहाँ से ऑफ भी हो जाएगा एक्सटेंड कंपैटिबिलिटी ऑप्शन। तो इस तरीके से आप एक्सटेंड कंपैटिबिलिटी ऑप्शन को ऑन ऑफ कर सकते हैं हॉटस्पॉट सेटिंग्स पे जाकर। और साथ में जैसे अगर आपको एक्सटेंड कंपैटिबिलिटी ऑप्शन नहीं मिलता है तो सिंपल अपनी फ़ोन की हॉटस्पॉट सेटिंग्स पे जाकर भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। सिंपल आपको इसमें से आइकन्स को ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपको क्लिक कर देना है सेटिंग्स पे। क्लिक करते ही हमारी फ़ोन सेटिंग्स तरीके से ओपन हो जाएगी। फिर आपको क्लिक कर देना होगा हॉटस्पॉट एंड थैथरिंग पे। हॉटस्पॉट एंड थैथरिंग पे क्लिक करने का तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, आप देख सकते हैं वाईफाई हॉटस्पॉट का। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगा एक्सटेंड कंपैटिबिलिटी ऑप्शन, जिसको आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। तो इसके जरिए आप किसी अदर्स इंटरनेट हॉटस्पॉट की स्पीड को अपने फ़ोन से इंक्रीज एंड डिस्क्रीज कर सकते हैं स्पीड को, और साथ में ऑफ़ कर देंगे तो इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप एक्सटेंड कंपैटिबिलिटी ऑप्शन को ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने लावा फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक